AEW ने लगाया है सबसे लंबा छक्का। CM Punk क्या कंफर्म कर चुके हैं अपना WWE रिटर्न, और क्या एज और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन लड़ेंगे WWE में एक और मैच। ये और बहुत कुछ जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहें, लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया, और आज का ये एपिसोड होने वाला है पूरा जैम पैक न्यूज़ के साथ और काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। तो आप बिल्कुल इसको कभी भी स्किप ना करें, एंड तक आपको इसको वीडियो को देखना है, लाइक अभी से ही ठोक दो। और मैं कहने वाला हूं गाइस, हम स्टार्ट करेंगे शो को रेटिंग से। ऑल इलीट रेसलिंग वर्सेज NXT, जो कि इतने समय से लोगों को इंतजार था कि कौन सा शो जीतने वाला है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको रेटिंग्स बताऊं, मैं कहना चाहता हूं कि आप ये ना समझें कि जो भी मैं यहां पे बोलने वाला हूं वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं मैं किसी एक की साइड ले नहीं रहा, मैं दोनों शोज को ही काफी एंजॉय करता हूं। अब हम बात करते हैं AEW की रेटिंग्स की। तो 1.4 मिलियन व्यूअर्स रहे गाइस इसके डेब्यू एपिसोड के, जो कि TNT में पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा देखा गया प्रीमियर है किसी भी शो का। तो ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है AEW और TNT के लिए भी। और अगर हम बात करें NXT की, तो 891K व्यूअर्स आए गाइस NXT के, यानी कि 11% कम पिछले हफ्ते के शो से। और अगर मैं अब 18 से 49 के लोगों के बीच में बात करूं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक है रेसलिंग में, क्योंकि यही ऑडियंस है, तो AEW की इस डेमोग्राफिक में व्यूअरशिप थी 878K व्यूअर्स। और अगर मैं बात करूं गाइस NXT की, तो उनकी थी 414K व्यूअर्स। तो काफी ज्यादा यहां पे भी फर्क है AEW और NXT के बीच में। और मुझे लगता है कि ऑब्वियसली AEW का डेब्यू एपिसोड था, तो बहुत ज्यादा लोग एक्साइटेड थे देखने के लिए आखिर क्या वो दिखाना चाहते हैं। लेकिन NXT के लिए जो एक वरी वाली बात है वो ये है कि पहले हफ्ते से लेकर तीसरे हफ्ते तक हर हफ्ते रेटिंग्स घटी ही हैं। ऐसा कोई हफ्ता नहीं गया है जब NXT की रेटिंग्स बढ़ी हो। लेकिन मुझे लगता है कि जो फर्स्ट टाइम हेड टू हेड रेटिंग्स है, मैं ज्यादा बताती नहीं है कि कौन जीतने वाला है लॉन्ग टर्म में, क्या AEW जीतेगी या WWE जीतेगी। तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं गाइस, लेकिन जो कंपटीशन जिस तरीके से शुरू हुआ है, मैं हो चुका हूं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड। और अगर आप लोग भी सिमिलर तरीके से एक्साइटेड हैं तो मुझे कॉमेंट्स में बताएं, और इस रेटिंग पर आपका क्या ख्याल है वो भी मुझे आप कॉमेंट्स में जरूर बताएं। अगली स्टोरी की हम बात करें गाइस, तो WWE ने सरप्राइजिंगली कॉन्ग्रेचुलेट करा ऑल इलीट रेसलिंग को, और उन्होंने उनको एक मैसेज भेजा उनके सक्सेसफुल स्टार्ट पे जो उन्होंने करा है। और उन्होंने इस मैसेज में लिखा, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू AEW ऑन अ सक्सेसफुल प्रीमियर, द रियल विनर्स ऑफ लास्ट नाइट्स हेड टू हेड टेलीकास्ट ऑफ NXT ऑन USA नेटवर्क एंड AEW ऑन TNT आर द फैंस हु कैन एक्सपेक्ट वेंसडे नाइट्स टू बी अ कंपेटिटिव एंड वाइल्ड राइड एज दिस इज अ मैराथन नॉट अ वन नाइट स्प्रिंट। तो ये बिल्कुल सही बात है, और मेरा भी बिल्कुल यही ओपिनियन है कि एक हफ्ते की रेटिंग से कुछ हमें पता लगता नहीं है। और दोनों शोज बहुत ज्यादा अच्छे थे, मुझे तो मैंने कहा भी था कि NXT की रेसलिंग ज्यादा पसंद आई थी, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि AEW का डेब्यू था तो रेटिंग यहां पे ज्यादा होनी थी। अगली स्टोरी की हम बात करें गाइस, तो ट्रिपल एच की रिसेंटली एक इंटरव्यू हुई थी स्काई स्पोर्ट्स के साथ, जहां पे उन्होंने जॉन मॉरिसन और CM Punk पर हमें अपडेट्स दिए हैं कि उनका सीन क्या चल रहा है WWE के साथ। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं जॉन मॉरिसन की कहानी, तो ट्रिपल एच ने कहा कि उनके साथ कॉन्टैक्ट में WWE है और उनसे बात करी जा रही है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि जॉन मॉरिसन को क्या चाहिए और अगला स्टेप जो उनके करियर में है वो क्या होने वाला है। तो जॉन मॉरिसन शायद मुझे लगता है कि ऑलरेडी साइन कर चुके हैं, ऑब्वियसली ट्रिपल एच उसको रिवील नहीं करते, लेकिन यहाँ पे जो उनके कॉन्टैक्ट्स हैं उन्होंने कंफर्म कर दिए हैं। और उसके बाद बात करें CM Punk की, तो उन्होंने कहा कि नेवर से नेवर इन WWE, और उन्होंने कहा कि अगर पंक वापस आना चाहते हैं और उनकी तरफ से हमें वो डिटर्मिनेशन दिखती है, तो WWE हमेशा विंस मैकमैन जैसे कहते हैं बिजनेस के लिए खुली रहती है। और CM Punk ने गाइस कोलाइडर लाइव, जो कि यूट्यूब का पॉडकास्ट है, वहां पर उनकी अपीयरेंस हुई थी और उन्होंने ये चीज कंफर्म कर दी कि जो फॉक्स का शो होने वाला है WWE बैक स्टेज, उसके लिए उनकी एक मीटिंग हुई है WWE के साथ और जो कॉन्टैक्ट्स हैं वहां पर भी करे गए हैं। और कुछ रूमर्स तो बता रहे हैं कि CM Punk और फॉक्स की जो डील है वो ऑफिशियली साइन भी हो चुकी है और कंफर्म हो चुका है कि वो WWE बैक स्टेज में जाएंगे। अब बस एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट WWE या फॉक्स की तरफ से हम वेट कर रहे हैं उसकी, कि हमें पता लगे कि CM Punk भी जो है उस शो का पार्ट होने वाले हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि इस इंटरव्यू में पंग ने बिल्कुल बोल दिया, अगर WWE आके मुझे कहती है कि लड़ लो तो मैं उस चीज के लिए फिलहाल रेडी नहीं हूं, लेकिन वो मेंशन बार बार कर रहे थे कि कितनी बड़ी डील है WWE के लिए फॉक्स के साथ और वो डेफिनेटली इसका पार्ट जो है उनको बनने में इंटरेस्ट है। अब अगली स्टोरी आती है गाइस हमारी टोनी खान के बारे में, जिन्होंने काफी इंपॉर्टेंट डिटेल्स रिवील करी हैं AEW के डेब्यू शो के बाद, जिसमें से सबसे पहली तो ये है कि जो जेक हेगर हैं उन्होंने काफी लंबे समय से ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है AEW के साथ। तो ऐसा नहीं है कि वो लास्ट मोमेंट पे साइन करे गए थे, काफी पहले से ये प्लान थी चीज। और गाइस जेक हेगर जो हैं वो अपने MMA करियर में 2-0 हैं, यानी कि 2 मैच लड़े हैं, दोनों ही जीते हैं, और अब उनकी अक्टूबर 25th
को एक और फाइट होने वाली है, तो वो कह दिया उन्होंने पूरे तरीके से गिव अप नहीं करा है, लेकिन अब वो AEW का भी एक पार्ट बन चुके हैं। और उन्होंने ये भी चीज़ कंफर्म कर दी है कि जो हमें स्टेबल देखने को मिलता है AEW डायनामाइट के शो के बिल्कुल लास्ट में, वो इनफैक्ट एक आगे जाके टीम बनने वाली है। और उन्होंने कहा कि हमें आने वाले शोज में उस स्टेबल से कुछ सुनने को मिलेगा, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इसी स्टोरी की एक्सटेंशन गाइज हमारी अगली स्टोरी है, जहाँ पर टोनी खान ने ये भी रिवील करा कि जो जॉन मॉक्सली है उनकी हेल्थ इंश्योरेंस WWE के थ्रू होती है, जबकि वो इंश्योर्ड है लेकिन वो AEW के थ्रू नहीं है। और उसके बाद उन्होंने कहा जितने भी फुल टाइम एम्प्लॉयज हैं ऑल एलीट रेसलिंग के, उन सबको अच्छे से इंश्योर करा गया है। और यही रीजन है कि ऑल एलीट रेसलिंग चाहती है कि जितने भी ऑफिस या फिर डेस्क जॉब्स हैं वो भी रेसलर्स को दी जाए, ताकि अगर वो फुल टाइम एम्प्लॉय बनते हैं AEW के तो वो उसके बेनिफिट्स उठा सकते हैं और उनको इंश्योर भी करा जा सकता है। तो ये काफी बढ़िया बात टोनी खान की तरफ से हमें जानने को मिली। अगली स्टोरी हमारी बात करती है गाइस रैंडी ऑर्टन और द रॉक के बारे में, जहां पे स्मैकडाउन से पहले ऑर्टन अपने ट्विटर पे गए और उन्होंने लिखा द रॉक आई विल सी यू एट स्मैकडाउन ऑन फॉक्स दिस फ्राइडे, हाउ अबाउट यू एंड आई हैव अ डिस्कशन अबाउट हु इज द ग्रेटेस्ट थर्ड जनरेशन ऑफ ऑल टाइम एंड वी आंसर दैट क्वेश्चन अप्रैल 5th इन टैंपा एट रेसलमेनिया 36। अ वाइपर्स सेंस ऑफ स्मेल इज अनमैच्ड एंड आई स्मेल व्हाट यू आर कुकिंग। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सी ट्वीट है, क्या इसका मतलब यह है हमें इन दोनों के बीच में कोई कन्फ्रंटेशन देखने को मिलेगा स्मैकडाउन में, उस चीज के लिए मैं वेट कर रहा हूं। डेफिनेटली कल का जो शो है स्मैकडाउन का वो एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होने वाला है, तो उसके लिए आप जरूर बने रहे हमारे चैनल पे, उसको भी मैं कवर करूंगा। और फिर फाइनल स्टोरी गाइस हमारी आती है यहाँ पे एज और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की। और ये लास्ट वीक एज ने रिवील करा था कि वो अपना पॉडकास्ट जो है क्रिश्चियन के साथ उसको छोड़ने वाले हैं ड्यू टू फैमिली रीजंस। और उससे पहले हम जानते हैं गाइस काफी ज्यादा स्पेकुलेशन हो रही थी उनकी समर स्लैम की परफॉर्मेंस के बाद कि क्या एज आने वाले हैं WWE में। और इनफैक्ट अब रेसलिंग ऑब्जर्वर ये रिपोर्ट करता है कि एज ने समर स्लैम से पहले एक काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट WWE के साथ साइन करा था। अब ये प्राइवेट टॉक जरूर हुई है कि एज और WWE क्या वो एक बार फिर से एक ऐसी डील तक पहुंच पाएंगे कि एज रिंग में लड़ सकें, या फिर मेडिकल स्टाफ जो है वो WWE का कभी उनको क्लियर नहीं करेगा। और ऐसी एक सेम सिचुएशन है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के साथ, जो कि बिल्कुल हेल्दी फील करते हैं और उनके हिसाब से वो एक मैच आराम से लड़ सकते हैं और उनको कोई इंजरी भी नहीं होगी। और कुछ रूमर्स ऐसे आ रहे थे कि क्या स्टोन कोल्ड को अब सऊदी अरेबिया में एक मैच दिया जाएगा, लेकिन उस चीज को जो है रेसलिंग ऑब्जर्वर ने बिल्कुल मना कर दिया है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमको पता लगा है कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन बुक्ड नहीं है सऊदी अरेबिया के शो के लिए। और गाइज ये जो है वो चीज आने वाले समय में चेंज भी नहीं होने वाली। तो ये है काफी इंपॉर्टेंट अपडेट जो मैंने आपको दी, और आज की पूरी वीडियो जो थी जैम पैक थी। तो अगर आपको ये पसंद आई है इसे लाइक करें, और कल स्मैकडाउन की रिजल्ट्स वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।